हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभी पावर्ड बाय अभी मै आई एस आज है 24 दिसंबर 2020 और आज देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स में आपको कौन सी न्यूज़ पढ़नी चाहिए सो लेट अस स्ट्रेट गेट इनटू इट ऑन द हिंदू फ्रंट पेज दिस इज़ अ न्यूज़ दैट यू हैव टू रीड एवरी डे जो भी गवर्नमेंट और फार्मा बॉडीज के बीच में बात हो रही है द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर टुडे फ्रंट पेज पे पहली है केन एनर्जी विंस आर्बिट्रेशन अवॉर्ड तो केन इंडिया एक एनर्जी फर्म है जिसका इंडिया के साथ एक आर्बिट्रेशन चल रही थी एक डिस्प्यूट को लेकर जिसमें इंडिया ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स इम्पोज़ किया था केन एनर्जी पे नाउ इन द हेग ट्राइब्यूनल द केन एनर्जी हैज़ वन दैट पर्टिकुलर केस केन एनर्जी ने वो जो केस है वो जीत लिया है और इंडिया को अब 1.4 बिलियन डॉलर्स का उससे नुकसान झेलना पड़ेगा सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रीड ऐसे पहले भी कुछ केसेज हो चुके हैं कुछ साल पहले वोडाफोन के साथ हमारा एक ऐसा केस हुआ था सो so, अब दोबारा से ये डिबेट रिवाइव हो गई है दैट वट शुड इंडियाज टैक्सेशन पॉलिसीज भी शुड रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स भी एनएक्सेप्टेबल रूल ऑफ द गवमेंट तो ये इस कॉन्टेक्स में आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी के लिए सेकेंडली कैबिनेट नॉड फॉर वन हंड्रेड परसेंट इन डी टी एच सर्विस डायरेक्ट टू होम जो सर्विस होती है टीवी uh, सैटेलाइट वाली उसमें अब 100% हंड्रेड कैबिनेट ने अलाउ कर दी है तो दो न्यूज ये आपको करनी है देन ये एक गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर क्वेश्चन है चेंजेस टू एससी एस सी स्कॉलरशिप स्कीम टू गेट गवर्नमेंट अप्रूवल एम इज टू एनेबल फोर करोड स्टूडेंट्स टू एक्सेस हायर एजुकेशन तो ये स्कीम आपको पढ़नी है ये स्कीम कौन सी है जिसमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को उसमें क्या चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं और उससे कैसे ज्यादा उस स्कीम की पेनेट्रेशन बढ़ेगी गवर्नमेंट स्कीम्स में कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको वो करने हैं नॉट ओनली फॉर प्रम्स बट फॉर मेन्स एज वेल नेक्स्ट फ्रंट पेज पर आज काफी न्यूज़ है तमिलनाडु गवर्नमेंट गिव्स गो अहेड फॉर जलीकट्टू जलीकट्टू एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है तमिलनाडु में तो गवर्नमेंट ने उसको गो अहेड दे दिया है दैट पीपल कैन पार्टिसिपेट इन जलीकट्टू लेकिन उनको पहले टेस्टिंग करवानी पड़ेगी कोरोना वायरस के लिए आर टी पी सी आर टेस्ट इज मैंडेटरी और जलीकट्टू सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है जलीकट्टू इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे कोर्ट केसेस हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द केसिज इम्पोज बाय एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट द केसिज बाई पीपल हु आर हार्मिंग दैमसेल्स क्योंकि जलीकट्टू में कुछ जो परफॉर्मर्स हैं उनकी डेथ भी हो गई है बिकॉज बुल्स दे अटैक द परफॉर्मर्स और इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है सो फंडामेंटल राइट्स से भी आपको इसको जोड़ के देखना है कि खुद को नुकसान पहुँचाना जानवर को एक तरह से हार्म करना इज इट एक्सेप्टेबल एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो जलीकट्टू के बारे में आपको सब पता होना चाहिए फिर हम आते हैं पेज नंबर सिक्स एडिटोरियल पेज पर इसमें जो पहला एडिटोरियल है वोकल फॉर लोकल अब वोकल फॉर लोकल है तो इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में यानी कि यू शुड बी मोर वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट्स आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये एक टैगलाइन थी वोकल फॉर लोकल जो कि प्रधानमंत्री जी ने दी थी लेकिन यहाँ पर उसको डिफरेंट कॉन्टेक्ट में यूज किया गया है इसको कहा गया है कि जो डी, -डी पोल्स हुई हैं जम्मू एंड कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की वोटिंग हुई है उसमें गुपकर अलायंस जो है दैट हज इमर्ज द लार्जेस्ट अलायंस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी इमर्ज हुई है लेकिन जो अलायंस है जो गठबंधन है वो गुपकर अलायंस हैज एज द लार्जेस्ट कोल्यूशन तो इसमें यह बताया गया है कि पोलिटिकल प्रोसेस अब दोबारा शुरू हो जाना चाहिए जम्मू कश्मीर में एंड दिस अलायंस शुड पेव द वे टू री स्टोर द स्टेट हुड ऑफ जे एंड के नॉट टू री स्टोर आर्टिकल थ्री सेवेंटी बट टू री स्टोर द स्टेट हुड कि एटलीस्ट वो यूटी से दोबारा से अपग्रेड होकर स्टेट जल्दी से जल्दी बन जाए तो इसमें उस इलेक्शन रिजल्ट का एनालिसिस किया गया है और कैसे गुप्कर अलायंस क्या क्या कर सकती है आने वाले टाइम में जिससे कि जो स्टेट है उसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस रिस्टोर किए जा सके ये आर्टिकल आपको पढ़ना है नेक्स्ट इस पर कोई और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो आपको पढ़ना चाहिए मोस्ट ऑफ दीज आर पोलिटिकल आर्टिकल्स नीड नॉट टू स्टडी तो ये भी वही न्यूज है ऑन पेज नंबर नाइन गुपकर अलायंस लीड्स इन जे एंड के डीडीसी पोल्स इसका आपको पता होना चाहिए कोई भी जे एंड के पे क्वेश्चन आता है या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पे क्वेश्चन आता है तो आपको डीडीसी पोल्स के बारे में जरूर मैंशन करना है

तो उसका जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स है उस पर, भी efficacy पर, पर कोई भी उसकी एफ़िकेसी पे उसकी एफिशिएंसी पे कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को शायद नहीं मिलेगा तो ये एक अच्छी खबर है बिकॉज वैक्सीन डेवलपमेंट में ऑलरेडी इतना टाइम लग गया है और बहुत सारी कंट्रीज़ एमरजेंसी यूज़ के लिए उसको अप्रूव भी कर चुकी हैं जैसे कि इंडिया यूके बहरीन तो ऐसे में अगर नया स्ट्रेन डिवेलप हो जाता है और एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स उसको टैकल नहीं कर पाती हैं देन इट विल बी अ होल न्यू चैलेंज लेकिन थैंकफुली ऐसा नहीं है तो नया स्ट्रेन जो है वो वैक्सीन की एफिकेसी को ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता इट्स अ गुड न्यूज तो ये न्यूज आपको पढ़नी है नेक्स्ट लेट अस गो टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज आप दोबारा से पढ़ सकते हैं ये आपने हिंदू में भी पढ़ी थी बट इसको आप जितना कवर कर सकें आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स आफ्टर वोडाफोन इंडिया लूजेज के एन आबिट्रेशन केस तो इस न्यूज़पेपर में भी इससे रिलेटेड जैसे एक्सप्लेन का एक आर्टिकल है आगे चल के मैं आपको बताऊंगा तो ये आपको इसमें भी पढ़ना है तो जनरली मैं न्यूज़ रिपीट करने की सलाह नहीं देता हूं आपको बट दिस इज़ वन सच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई न्यूज़ है तो वो ये है दैट केन आर्बिट्रेशन केस हैज़ बिन लॉस्ट बाय इंडिया इंडियन इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से ये केस आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है तो अगर हम एक्सप्लेन पेज पे चले तो एक्सप्लेन पेज पे ओके दे हैड शोड इट ऑन द एक्सप्लेन पेज एक्सप्लेन पेज पे सबसे पहले वाई वायरस इन एंटार्क्टिका इजेंट एन इंडियन वरी येट तो इंडिया के एंटार्क्टिका में जो भी स्टेशन हैं जैसे कि एक मैत्री स्टेशन है और एक भारती है तो मैत्री और भारती दो स्टेशन हैं इंडिया के अंटार्क्टिका पे तो यहाँ पर क्यों जो वायरस फैलना इंडिया के लिए अभी बड़ा कंसर्न नहीं है तो ये आप पूरी न्यूज़ पढ़ सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेशन हैं मैत्री और भारती और जो साउथ पोल है वहाँ पर कौन से स्टेशन हैं हमारे ओके सो दिस इज साउथ पोल नॉर्थ पोल पर हमारा एक स्टेशन है आ, हिमाद्री राइट right? तो ये आपको स्टेशन के नाम पता होने चाहिए देन नेक्स्ट है इंटरनेट रेगुलेशन के ऊपर टारगेटिंग बिग टेक इन यू एस एंड यूरोपियन यूनियन तो इंटरनेट जै के जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं जैसे गूगल uh, हो गया या फिर फेसबुक हो गया हाउ दिज आर अंडर स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी ऑफ द अथॉरिटीज और इंडिया में भी क्या ऐसा सिनेरियो आ सकता है एंड हाउ टू डील विद इट तो एक अच्छा आर्टिकल uh, है एज फार एज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेट जाइंट्स इज कंसर्न तो ये आर्टिकल आपको पढ़ना है जरूर देन ऑन द एडिटोरियल पेज पेज नंबर फोर्टीन पेज नंबर फोर्टीन पे एक आर्टिकल आपको पढ़ना है एन आर्टिकल यस दिस वन मैसेज फ्रॉम जे एंड के अगेन दिस आर्टिकल यू हैव टू सप्लीमेंट विद द आर्टिकल दैट वी रेड इन द हिंदू न्यूज़पेपर तो ये आपको वहां पर सप्लीमेंट करना है यहां से भी आपको पॉइंट्स लेकर उसके साथ अटैच करना है फार्मर uh, जो एग्रीकल्चर लॉज हैं उसके ऊपर एक आर्टिकल है अरविंद डी पाथर का ऑन पेज नंबर फिफ्टीन दिस यू कैन रीड हाउ टू अनस्क्रैम्बल फार्म मेस काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज हैं इन सभी चीज़ों को अगर आप एक जगह इकट्ठा करेंगे देन यू कैन बी इन अ रियली गुड सिचुएशन एज फार एज मेन्ज आंसर राइटिंग इज कंसर्न नेक्स्ट मंथ मेन्स एग्जाम्स हैं तो अगर आप उनको टारगेट कर रहे हैं न यू शुड कंपाइल ऑल सच आर्टिकल्स उसमें से छोटे छोटे पॉइंटर्स आपको याद करने हैं एंड विच कैन बी रियली वैल्यूएबल यू कैन एक्सपेक्ट वन और टू क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑन द वर्ल्ड पेज कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है वर्ल्ड पेज पे ये ऑन द इकोनॉमी पेज दर इज ए इंपॉर्टेंट न्यूज आर बी आई गवर्नर आस्क्स बैंक्स टू स्ट्रेंदन लैंडिंग कैपेसिटी बाय रेजिंग कैपिटल तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के चीफ्स के साथ आर बी आई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास की मीटिंग हुई एंड ही हैज आस्क द बैंक्स टू स्ट्रेंदन देयर लैंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा वो कैपिटल रेज करें ताकि लैंडिंग उनकी कैपैसिटी बढ़ सके सो दैट द इकॉमी कैन बी रिवाइव इकोनॉमी अभी धीरे धीरे रिवाइव हो रही है बट टू स्पीड अप द प्रोसेस दिस इज वन स्टेप टेकन बाय द आर बी आई गवर्नर then cane arbitration why the ruling went against india yes this is what you have to read so explained hai economy page pe this is a very very important article you have to read this cane arbitration why the ruling went against india काफी important है ये आपको जरूर पढ़ना है on page number 17 of the indian express today so दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इन न्यूज आपको आपको समझना है इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं इसकी कटिंग भी रख सकते हैं बहुत अच्छे से ये इशू आपको समझना है बिकॉज इट विल बी यूजेबल इन द सिविल सर्विसज फॉर द नेक्स्ट वन और टू ईयर्स एटलीस्ट तो आपको बहुत अच्छे से इन डेप्थ इसको समझना है और राइट सो दिस इज ऑल यू हैव टू रीड इन दीज टू न्यूज पेपर्स टूडे थैंक यू अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक यू एंड हैव अइस डे